बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो आज ईटा के जरिए जो पेपर हो चुका है असिस्टेंट का पेपर सिविल सेक्रेटरी के लिए, आज यानी 20 तारीख को हो चुका है। आज 2020 है। दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज पार्ट नंबर 3 पेज नंबर 3 का अपलोड करते हैं और बाय पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा और जो गलतियां हो चुकी होंगी उसको भी दूर करूंगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दिया करूंगा। तो चलिए पेज नंबर 3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, याद रखिए ये पेपर टाइप बी था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इज नोन एज लैंड ऑफ टुलिप, किस मुल्क को टुलिप, ऑप्शन डी हॉलैंड। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रेड स्क्वायर इज सिचुएटेड, ये मॉस्को में है, ऑप्शन बी है। सिमिलरली क्वेश्चन 36, यूक्रेन के करेंसी का नाम, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 37, युगांडा के कैपिटल का नाम कंपाला, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, विच मोमेंट वॉज अ पार्ट ऑफ खिलाफत मोमेंट, रेशमी रुमाल। खिलाफत मोमेंट 1919 में और रेशमी रुमाल 1920 तक था, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 39 नंबर क्वेश्चन देखे, द रियल नेम ऑफ नूर जिहां वॉज मेहरुन्नेसा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखे, 40 नंबर, इन विच लैंग्वेज द होली कुरआन वॉज ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, पर्शिया में। और 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्ड द विक्ट्री ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज द रिवेंज ऑफ द डिफीट बाय सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, इस क्वेश्चन को आपने कंफर्म करना है। मैं ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेता हूं, लेकिन टू मी दिस इज नॉट कंफर्म। ठीक है दोस्तों, आप दोस्त थोड़ा सा इसको कंफर्म करके मुझे भी जल्दी से बता दें। क्वेश्चन नंबर 42, वुजू के प्राइस किस कुरान शरीफ के किस सूरह में, सूरह मायदा में है, ऑप्शन सी है। 43 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि नमाज में इमाम बुलंद आवाज से तिलावत या किरत करता है जहरी नमाज में, तो ये खप्पी सरी, ये सरी नमाज है, तो इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी है। 44 नंबर क्वेश्चन, द ग्लास हाउस माउंटेन आर सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 45, सीनेट हैज 104 मेंबर्स, ये 104 नहीं, ये अब 100 है, दे आर सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ, सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शन होते हैं उस पर, और ये यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली दोनों से सेलेक्ट होते इलेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आई थिंक गलती है। क्वेश्चन नंबर 46 लेके 46 नंबर क्वेश्चन को, वेयर द कश्मीर इशू वॉज प्रेजेंटेड ऑन 1 जनवरी 1948 सिक्योरिटी काउंसिल में था, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखे, 47, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1956 कंडीशन, 234 आर्टिकल थी, ऑप्शन ए है। और सिंतास मायदा 1960 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 49 नंबर क्वेश्चन, गज़वा खैबर में कितने मुसलमानों ने जाम शहादत नोश फरमाई थी, यहां 15 लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअली आई थिंक ये 16 है। और क्वेश्चन नंबर 50 जो है, 50, गज़वे खैबर में कितने यहूदी हलाक हुए थे, 93 थे, ऑप्शन डी करेक्ट है। और 51 नंबर क्वेश्चन, तहारत की दो अकसाम है, कुबरा और सुगरा, ऑप्शन ए करेक्ट है। किला कमूस किस गज़वे में पता हुआ था, खैबर में, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 53, फर्स्टली बीवियर ऑफ द फिफ्थ कॉलमिस्ट अमंग और सिल, गद्दार को कहते हैं ये, ऑप्शन बी ट्रायटर्स। और 54 नंबर क्वेश्चन,
बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, फॉर द लाइफ ऑफ हिम इसके मानी क्या है, अपनी जिंदगी के खातिर, फॉर वंस ओन सेफ्टी, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो दोस्तों पार्ट नंबर 3 और पेज नंबर 3। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।